तो चलिए जानते हैं कि स्विच बोर्ड की सफाई के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। शेविंग क्रीम से करें सफाई। आप एक बाउल में शेविंग क्रीम लें और उसे स्विच बोर्ड पर लगाएं। एक मिनट बाद टूथब्रश से उस पर रगड़ें। दो मिनट बाद सूती कपड़े से उसे पोंछ दें। ध्यान रखें कि आपको शेविंग क्रीम ऊपर लगानी है, स्विच बोर्ड के अंदर ना डालें। दाग अधिक गहरा है तो फिर इस प्रक्रिया को दोहराएं और साफ करें। आखिर में सूती कपड़ों को हल्का गीला करें और फिर उससे स्विच बोर्ड को पोंछ दें। नेल पेंट रिमूवर भी है बेस्ट क्लीनर। कई तरह के नेल पेंट रिमूवर मार्केट में मिल रहे हैं। ऐसे में अगर आपको इसका लिक्विड है तो कॉटन में इसे डिप करें और फिर स्विच बोर्ड की सफाई करें। एक बार अप्लाई करने के बाद आपको फर्क नजर आने लगेगा। दाग धब्बे लाइट हो गए हैं तो दोबारा इसे अप्लाई करें। 5 मिनट में आपका एकदम क्लीन स्विच बोर्ड नजर आएगा। नींबू और नमक का करें उपयोग। नींबू और नमक से भी स्विच बोर्ड की सफाई कर सकते हैं। इसके लिए नींबू को 2 हिस्सों में काट लें और फिर इसे नमक में डिप करें और इसे स्विच बोर्ड को रख दें। 2 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर स्क्रबर की मदद से उसे रगड़ कर साफ करें। आखिर में स्विच बोर्ड पर बिल्कुल भी नमी ना रहे इसके लिए सूती कपड़े से इसे पोंछ दें। बेकिंग सोडा और नींबू का इस्तेमाल। बेकिंग सोडा और नींबू दोनों का इस्तेमाल कई तरीके से किया जाता है। हालांकि जब स्विच बोर्ड की सफाई कर रहे हैं तो दोनों को एक साथ मिक्स कर दें। अब इस मिश्रण में पुराना टूथब्रश डिप करें और इसे स्विच पर रगड़ें और फिर सूती कपड़े से साफ कर दें। अगर दाग धब्बे पूरी तरह नहीं साफ हुए हैं तो इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराएं। टॉयलेट क्लीनर से करें सफाई। मार्केट में कई तरह के टॉयलेट क्लीनर उपलब्ध है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं हार्पिक की। इसे ब्रश पर लगाएं और फिर स्विच बोर्ड पर रगड़ें। दाग धब्बे चले जाएंगे तो साफ और सूती कपड़े से इसे पोंछ दें। आप चाहे तो स्विच बोर्ड साफ करने के लिए अन्य किसी टॉयलेट क्लीनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सबको पता है कि दिवाली आने वाली है और दिवाली का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले साफ सफाई की चीजें आती हैं। इस वीडियो में हम घर के स्विच बोर्ड पर जमे गंदगी और दाग धब्बों को बस 5 मिनट में साफ करने का ट्रिक बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दिवाली से पहले अपने घर को पूरी तरह से साफ करते हैं, घर को सुंदर बनाते हैं ताकि हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास हो। साथ ही हर एक छोटी छोटी चीजों को हम लोग ध्यान देकर साफ सफाई करते हैं और नई नई चीजें लाते हैं। लेकिन साफ सफाई के दौरान छोटी छोटी कुछ चीजें छूट जाती हैं जो काफी असर डालती हैं, जिन पर हमारी नजर नहीं पड़ती है। अगर आप भी है साफ सफाई के शौकीन तो ये वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है, तो ये वीडियो आपके काफी काम का होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा भारत और मैं हूं तन। स्विच बोर्ड पर गंदगी और दाग धब्बे जम गए हैं तो उसे हटाने के लिए इन ट्रिक्स को ट्राई किया जा सकता है। 5 मिनट में गंदगी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। साफ घर में अगर स्विच बोर्ड काले नजर आए तो कमरे की रौनक ही खराब हो जाती है। कमरे की साफ सफाई हम नियमित करते हैं लेकिन स्विच बोर्ड काले ही नजर आते हैं। वैसे इसे साफ करने के कई तरीके हैं जिससे स्विच बोर्ड पर मौजूद दाग धब्बे और गंदगी 5 मिनट में चली जाएगी। हालांकि स्विच बोर्ड साफ करते वक्त सावधानी रखना चाहिए। पानी छिड़कने से करंट लगने का भी डर रहता है, इसलिए हाथों में ग्लव्स और पैरों में रबर की चप्पल पहनकर ही सफाई करें। इसके अलावा मेन स्विच को ऑफ करना ना भूलें। वहां स्विच बोर्ड की सफाई शुरू करने से पहले एक सूती कपड़े से उसे पोंछ दें। इसके बाद दाग धब्बों को हटाना शुरू करें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। साथ ही अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर साझा करें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। साथ ही अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारा भारत के साथ।